प्रश्न है, आकृति में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, यदि कोण पी बराबर कोण क्यू आर वाई है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। तो यहाँ पे आपको एक आकृति दिखाई दे रहा होगा, इस आकृति को मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है चक्री चतुर्भुज। तो चलो इसको लेकर हल करते हैं। तो यहाँ पे जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है प्रश्न में आकृति, आकृति में ये जो पी क्यू आर एस है ना, आर एस क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अभी इसे हम चक्री चतुर्भुज नहीं कहेंगे, अभी इसे सिर्फ क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज जब तक के मैं सिद्ध ना कर दूं तब तक के मैं इसे चक्री चतुर्भुज का दर्जा नहीं दे सकता, ठीक है। और प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि कोण P बराबर कोण क्यू आर वाई है, ठीक है। तो प्रश्न में ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो चित्र को, चित्र में ये रेखा है एक्स वाई, रेखा क्या है एक्स वाई, कोई भी रेखा जो डायरेक्ट है, एक सिर्फ रेखा बस रहे ना, चांदा में देखो ना, अगर आप एक रेखा को देखोगे तो चांदे में एक रेखा का मान होता है 180 अंश। तो ये रेखा बस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मान है 180 अंश। और इस रेखा में एक खड़ी रेखा खींच दिया जाए इस तरह से R और Q, तो ये 180 अंश को दो भागों में डिवाइड कर देता है। और दो भागों में डिवाइड करने का मतलब होता है दो कोणों का निर्माण। कितने कोण का निर्माण, दो कोण का, एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण इसके जस्ट पीछे में बन रहा है, तो दो कोणों का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्स वाई रेखा पर, एक्स वाई रेखा पर एक आर क्यू रेखा क्या है, खड़ी है, खड़ी है। ये आर क्यू रेखा जो खड़ी है ये एक्स वाई रेखा को दो हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है मतलब दो कोणों का निर्माण कर रहा है। और दो कोणों का योग कितना होगा, क्योंकि 180 अंश था ना, तो 180 अंश को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस आर क्यू, लिखो कोण एस आर क्यू, एक कोण हो गया प्लस दूसरा कोण क्या है क्यू आर वाई, क्यू आर वाई कोण क्यू आर वाई, दोनों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक। अभी मैंने आपको समझाया ये चीज। अब यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको देखो यहाँ पे क्या है R है ना, तो R है तो मैं सिर्फ कोण R बस लिख लेता हूँ, बीच में जो मान होता है वही हम लिखते हैं। लेकिन इसका जो मान है वो तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू आर वाई के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ कोण P, तो रखो या इसके स्थान पे कोण P, और ये रहा 180 अंश। ये कोण R और कोण P दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो ये P और R यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये P है और ये वाला कोण क्या है R है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है सम्मुख है। तो ये दोनों सम्मुख है, इसका मतलब क्या है कि सम्मुख कोई भी मान अगर सिद्ध होता है तो वो एक चक्री चतुर्भुज होता है। तो अभी तो मैंने दो कोणों को सिद्ध किया है ना, दो कोण अभी और बाकी है, इन दोनों कोणों को अगर मैं सिद्ध कर दूंगा सम्मुख एक दूसरे का, तब ये 100% सिद्ध हो जाएगा कि ये चक्री चतुर्भुज है। अभी सिर्फ कितने कोण सिद्ध हुआ है, दो कोण, एक पी कोण और एक आर कोण, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, और ये चक्री चतुर्भुज का नियम है। तो दो कोण अभी सिद्ध हुआ है, बस बाकी कितने, दो कोण। अगर ये दोनों कोण भी सिद्ध हो जाता है तो ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, चक्री चतुर्भुज है। तो चलो इसको भी सिद्ध करते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा, कोण पी क्यू आर एस को लूंगा, तो यहाँ पे लिखो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो चारों कोणों का योग होता है 360, तो चारों कोणों को योग कर दो, तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस, इन सभी का योग कितना होता है, सॉरी 360 होगा, 180 नहीं, 360 होता है। अब यहाँ पे देखो कोण पी और कोण आर का मान मुझे पता है, यहाँ पे आप देख सकते हो समीकरण एक से, तो कोण पी और कोण आर का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कितना है भाई 180 अंश। और बचा क्या, बचा है यहाँ पे कोण क्यू और कोण एस, यहाँ पे बचा है और इसका मान है 360 अंश। इसको उस पार ले जाओ, तो
तो यहाँ पे कोण Q प्लस कोण S बराबर 360 अंश, और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण Q प्लस कोण S बराबर यहाँ पे बचा 180 अंश, घटने के बाद 180 अंश बचा। अब देखते हैं कोण Q और कोण S का मान 180 अंश हो रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। तो देख लो, यहाँ पे कोण Q और कोण S ये भी सम्मुख है एक दूसरे के। इसका मतलब क्या है कि ये जो समीकरण 2 है ये भी सिद्ध कर रहा है, समीकरण 1 भी सिद्ध कर रहा है और समीकरण 2 भी सिद्ध कर रहा है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पे लिखो, चूंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, होता है, अतः ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है ये क्या कर रहा है, सिद्ध कर रहा है कि सम्मुख कोण जो है वो क्या है, दोनों का योग 180 अंश होता है। अतः पी क्यू आर एस क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, समझ में आ गया। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नवा प्रश्न में यदि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। यहाँ पे इसको भी क्या करना है, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो चलो भाई इसको भी सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, समलंब चतुर्भुज है, ये बता रहा है, प्रश्न खुद कह रहा है कि ये समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज है तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं, ये मुझे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ज्ञात है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी क्या है, समांतर है। तो यहां पे लिखो ए बी समांतर डी सी, और ये जो ए डी रेखा है, ठीक है, ए डी रेखा बराबर है किसके, रेखा है बी और सी के। तो लिखो बी सी के बराबर है, ठीक है, ए डी रेखा बी सी के बराबर है। ये प्रश्न में ही कहा है, प्रश्न में क्या कहा है कि असमांतर भुजाएं बराबर होती है, कहा है ना। तो ये दोनों क्या है, समांतर भुजा नहीं है, ये आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आपस में क्रॉस कर ही लेगा, मतलब प्रतिच्छेद कर ही लेगा। इसलिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि असमांतर भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो मैंने असमांतर भुजाओं को, इन दोनों को मैंने बराबर लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी डी है ना, सी डी एक चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज है, ये मुझे सिद्ध करके बताना है। अब यहाँ पे रचना कर लेते हैं। इसमें रचना क्यों करने वाले हैं भाई, बताओ। रचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो चारों भुजा दिया है ना, ये पहले से स्टेबल है, मतलब ये एक चतुर्भुज है। प्रश्न में चतुर्भुज की बात किया है लेकिन समांतर चतुर्भुज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। जो ये जो है ना, ये जो डॉट 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 करके आया है, तो मान लो इसे मैंने बाद में खींचा, इसका मतलब तो यही होता है कि बाद में खींचा गया, पहले एक चित्र का निर्माण किया उसके बाद इस रेखा को खींच दिया। तो खींचने वाला रेखा है तो इसके साथ चित्र में पहले से बना बुना है, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट लगने के कारण ये कह रहा है कि ये चित्र पहले से नहीं था, बाद में इसे खींचा है, इसलिए इसके लिए रचना करना होगा। तो रचना कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो सी बिंदु एडी एडी रेखा, ठीक है, सी बिंदु जो है एडी रेखा के समांतर सीई रेखा खींचा,
जो ए बी रेखा पर एक ई बिंदु है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रचना कर लेना है, रचना अपने शब्दों में करना है, रचना में कोई भी नंबर नहीं काटते हैं। अगर आप रचना सही करोगे तो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। कोई भी टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा, बस रचना को आपको सही करना है और वो भी अपने शब्दों में करना है। जैसा गाइड या बुक में लिखा है, जरूरी नहीं कि आप वैसा ही रचना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ओरिजिनल हल पे आते हैं। ओरिजिनल हल कब शुरू होता है? जब मैं उत्पत्ति लिखूंगा। ये सब चीज तो प्रश्न में दिया हुआ था, बस उसे मैं निकाल के यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेन जो हल है अब शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो उत्पत्ति, अब स्टार्ट हो रहा है ना। उत्पत्ति ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक है। एक चतुर्भुज लिखो, एक समलंब चतुर्भुज भी लिख सकते हो। तो एक चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। और ए बी सी डी में जो ए बी और ये जो सी डी है, ये क्या है? समांतर है। तो लिखो यहाँ पे ए बी समांतर सी डी, इस तरह से आपको करना है। ए बी और सी डी क्या है? समांतर है। इसके अलावा और समांतर रेखा है, ठीक है। और क्या समांतर रेखा है? तथा तथा यहाँ पे देखो ए डी और ये सी ई, ये चित्र ढंग से नहीं बना है, लेकिन अगर आप पुस्तक वाले चित्र को देखोगे तो ये दोनों रेखाएं जो है समांतर है एक दूसरे के, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए डी समांतर है सीई के, ठीक है, सीई के समांतर। और यही क्या बता रहा है कि ये जो रेखा के माध्यम से जो चतुर्भुज का निर्माण हुआ है वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए इसलिए ये एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, कौन समांतर चतुर्भुज है? पता चला? नहीं पता चला तो बता देता हूं कि ए ई सी और डी, ठीक है। ए ई सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। जो नया रेखा जिसका मैंने अभी रचना किया है ना, वही रेखा क्या है? उसी रेखा के थ्रू एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी बताना चाहूंगा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने मतलब सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। जैसे कि इसके सामने ये भुजा है तो ये बराबर रहेगा, इसके सामने ये भुजा है तो ये बराबर रहेगा, ठीक है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर रहते हैं। यहाँ पे चित्र आपको साफ साफ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने चित्र को थोड़ा सा गलती कर दिया बनाने में। आप क्या करना कि बुक में जो चित्र दिया है उसको ध्यान से देखना, उसमें एकदम सही सही दिखाई देगा, ठीक है। बस आपको मुझे समझाना है, ये कैसे समझाना है ये मेरी जवाबदारी है, ठीक है। तो चित्र को ज्यादा ध्यान मत देना कि ये चित्र गलत बना है ऐसा वैसा, ठीक है। जैसा भी है चित्र को आप बुक वाले चित्र से ही कंपेयर करना। चलो आगे देखें, ठीक है। यहां तक हो गया, एक समांतर चतुर्भुज मैंने सिद्ध कर दिया। अब क्या करेंगे? अब पुनः अब भुजाओं को देखते हैं, ठीक है। पुनः क्या करने वाले हैं? ए डी, अभी मैंने क्या बताया कि एक समांतर चतुर्भुज में क्या रहते हैं? भुजा बराबर रहता है। तो ए डी भुजा, ठीक है, बराबर है। तो समलंब चतुर्भुज के भी असमांतर भुजा तो बराबर रहेंगे ना। तो ए डी भुजा के बराबर कौन सा भुजा होगा? बी सी, ठीक है। ये असमांतर भुजाएं क्या है? बराबर है। जैसे कि प्रश्न में कहा है वह चीज मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे ए डी भुजा जितना है उतना ही कौन रहेगा? उतना ही सीई भी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो समलंब चतुर्भुज के ये असमांतर भुजाएं बराबर हो गया, तो इसका मतलब यह है कि समांतर चतुर्भुज के समांतर भुजा भी तो बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज कौन है? ए बी सॉरी यहाँ पे क्या ए है ना, ए है, ई है, सी है, ए ई सी और डी, ये समांतर चतुर्भुज। तो ए डी जितना है उतना ही सी ई भुजा भी होगा। समझ में आ गया? तो सी ई भुजा को भी मैंने बराबर इस तरह से बता दिया। बराबर बताने का मतलब क्या है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, शॉर्टकट में मैं लिख लेता हूं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। भुजा क्या है? बराबर होते हैं। अब इसके बाद देखो बी सी बराबर सी ई,
क्या करने वाले हैं, BC, ये जो BC है ना, इन दोनों को बराबर अब देखने वाले हैं, BC बराबर C। ऐसा क्यों कर रहे हैं, BC बराबर C? तो देखो AD का मान ये भी है, AD के बराबर ये है और AD के बराबर ये है। अगर इसे समीकरण एक मान लो, समीकरण दो मान लो, ठीक है, और इन दोनों की तुलना करोगे तो तुलना करने पर बराबर बराबर मतलब जो सेम सेम होता है वो कट जाता है। तो AD और AD कट गया, डेफिनेटली कट गया। कटने के बाद क्या प्राप्त हुआ, BC बराबर CE, यही प्राप्त हुआ। तो देखो BC बराबर CE यहाँ पे प्राप्त हो गया, समझ में आया। तुलना करोगे तो आसान हो जाएगा, मैंने तुलना करके चलो आपको समझा दिया इस तरह से। तो इसके बराबर BC और CE भी क्या होंगे, बराबर हो गए। अभी भुजा को मैंने बराबर सिद्ध किया, अब मैं कोणों को बराबर सिद्ध करूंगा। तो चलो पहला पॉइंट यहाँ पे डालो, कोण को बराबर सिद्ध करते हैं। तो देखो यहाँ पे CEB कोण पहले देखते हैं, तो ये रहा CEB कोण, ठीक है। CEB कोण जितने अंश का कोण बनाएगा उतने अंश का कोण यहाँ पे CBE भी बनाएगा। तो दोनों को बराबर सिद्ध कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो पहले लिखो CEB जितने अंश का कोण बना रहा है उतने अंश का ही कोण CB और E के द्वारा भी बना रहा है। ये दोनों कोण बराबर है। बराबर होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना CEB, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अगर ये भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होते हैं। अब जब दो भुजा बराबर मतलब दो कोण भी बराबर होंगे, स्वाभाविक है। भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। दो भुजा बराबर मतलब दो कोण बराबर, तीन भुजा बराबर मतलब तीन कोण बराबर होता। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो नियम कौन से नियम का पालन कर रहा है कि त्रिभुज, यहाँ पे मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, त्रिभुज CEB क्या है, एक सम द्विबाहु, ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। और सम द्विबाहु त्रिभुज में ही दो भुजाएं बराबर होते हैं, तो दो भुजा बराबर होने के कारण दो कोण भी बराबर होंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो यहां पे DAE को देखना है, DAE, ठीक है, DAE को देखो। तो कोण DAE बराबर CEB, CEB, ठीक है, दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण CEB ये भी बराबर है, और ये बराबर क्यों है, ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। देखो ये संगत है, ये जैसा है ऐसा झुका हुआ है, तो ये भी ऐसा ही झुका हुआ है, ठीक है, दोनों सेम सेम में झुका हुआ है। तो इसके संगत, संगत भुजा ये होगा, इसके संगत ये संगत है और ये संगत है, इसके संगत भुजा ये दोनों है, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि संगत भुजा, ठीक है, संगत भुजा नियम के तहत ये दोनों बराबर है। समझ में आ गया, ये दोनों बराबर हो गया। क्यों बराबर हो, क्योंकि संगत भुजा या सॉरी संगत कोण, भुजा नहीं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजा ना लिख के मैं लिख लेता हूं कोण, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण यहाँ पे बराबर है। और संगत कोण हमेशा बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे संगत कोण बराबर है, दो हो गया। और एक और भुजा देख लेते हैं, ठीक है, दो दो से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन मैं जब यहाँ पे एक और सिद्ध हो सकता है तो मैं उसको भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो DAB को देखो, फिर से DAB, DAB कहाँ पे है भाई, ये रहा DAB, ठीक है। DAB जितने अंश का कोण बनाएगा उतने अंश का CBA बनाएगा, तो यहाँ पे लिख लो कोण CAB। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो कोण है ये समलंब चतुर्भुज के असमांतर कोण, असमांतर भुजा है, और असमांतर भुजा क्या है, बराबर है, तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए ये तीसरा इस तरह से बराबर हुआ, समझ में आ गया। अब इन दोनों का मैं उपयोग करूंगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो है, बस ऐसे ही बताना पड़ गया, ये इसकी आवश्यकता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन जब सिद्ध हो रहा है तो मैं यहाँ पे आसानी से इसे सिद्ध करके दिखा भी दिया, ठीक है। चलो इन दोनों का उपयोग करते हैं, इन दोनों की तुलना करने पर, तुलना कर दो तो यहाँ पे लिखो इसे मैं समीकरण, या फिर यहाँ पे देखो संबंध एक संबंध दो नाम दे दो। तो संबंध एक और दो की तुलना करने पर,
तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो सेम सेम मान कट जाएगा। तो देखो सी ई बी, सी ई बी यहाँ भी है, कट गया, बचा क्या कोण डी ए ई बचा। लिखो यहाँ पे कोण डी ए ई बराबर है, इसके बराबर कौन सा है कोण सी बी ई, इसके बराबर यहाँ पे सिद्ध हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब क्या करने वाले हैं, देखो किसी भी कोण को चक्रीय चतुर्भुज तभी हम सिद्ध कर पाते हैं ना जब उसके सम्मुख कोण क्या होंगे, दोनों का योग 180 अंश होगा, तभी हम इसे सिद्ध कर पाते हैं। तो अभी मैंने सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध किया, अभी मैंने कोणों को बराबर सिद्ध किया, अब जब कोण और भुजा बराबर हो गए हैं तो दोनों का योग भी क्या होंगे, 180 अंश तो होगा ही ना। तो यहाँ पे पहले मैं समांतर चतुर्भुज को देख लेता हूँ। तो देखो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन है, तो यहाँ पे देखो डी ए ई, ठीक है, कोण डी ए ई के सामने है ये वाला कोण डी सी ई है, दोनों का योग कितना होगा, दोनों का योग होगा 180 अंश, कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, पहले मैं समांतर चतुर्भुज को बता रहा हूं ना, तो कोण ए डी डी ए ई डी ए हाँ ई प्लस कोण डी सी ई, दोनों का योग कितना होगा 180 अंश। ये समांतर चतुर्भुज के लिए था। अब मैं समांतर चतुर्भुज को हटा के अब समलंब चतुर्भुज के लिए करता हूं, तो ये तो सीध हो गया समांतर चतुर्भुज में कि हाँ भाई समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख कोणों का योग है 180 अंश। अब किसको सिद्ध करने वाले हैं, देखो इन दोनों को मैंने अभी किया, अब मैं डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज में इन दोनों को देख लेता हूं। तो ए डी सी क्या करने वाले हैं, ए डी सी देखो, तो कोण ए डी सी प्लस यहां पे हो जाएगा ए बी सी, यहां पे ए बी सी, कोण ए बी सी इसका भी योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये सम्मुख कोण नियम है, तो यहां पे लिखो चूंकि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, अतः इससे सिद्ध होता है, अतः ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया।